ब्यूटीफुल पार्टी वेयर एंड कैजुअल वेयर 8 कॉर्ड सेट हॉल फ्रॉम मिंत्रा। हाय, माय नेम इज नेहा सिंह। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, वीडियो आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना फॉर ऑल नोटिफिकेशन। तो जो भी डिटेल्स हैं ऑन स्क्रीन में आपको प्रेजेंट करूंगी, लिंक्स आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी। और आप मेरे और भी हॉल वीडियो चेकआउट कर सकते हो, मैं कुछ मिंत्रा के हॉल वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगी। मैंने काफ़ी हॉल डाले थे, 10 हॉल वीडियोस डाली थी लगातार फ्रॉम May 31st टू 10th of June, तो आप वो चेकआउट कर सकते हो। एंड मैं अब इस वीडियो को शुरू करती हूँ। तो ये पहला कॉर्ड सेट है जो मेरा बिल्कुल फेवरेट है, क्योंकि ये मॉडेस्ट है और ये ऐसा कॉर्ड सेट है कि आप इसको परचेज़ करने से पहले या फिर पहनने से पहले नहीं सोचोगे। कई बार हम कोई चीज़ ऐसे ले लेते हैं बट हमको पहनने से पहले सोचना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि कभी हमारी वैक्सिंग नहीं होती, अगर कोई चीज़ स्लीवलेस है तो, या फिर धूप बहुत तेज़ है। इसमें ना आपके सारे ही प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएगा। एक तो ये फुल स्लीव्स है, इसका आप प्रिंट देख सकते हो, प्रिंट भी नहीं है, ये धागे का काम है जो आप फ्लावर प्रिंट वो देख रहे हो पैटर्न शर्ट पे और नीचे बॉटम पे। आगे से फ्रंट ओपन है, शर्ट पे बटन सारे ओपन हो जाते हैं, बट मैं मेरी बात मानना, 2 से 3 बटन ओपन करना और इसे ऐसा टी शर्ट पहनना, क्योंकि बार बार शर्ट के बटन बंद और ओपन करने से तो बहुत ही अच्छा है। और इसका फैब्रिक दे रखा है विस्कोस सिल्क, यार ये इतना सॉफ्ट फैब्रिक है। और इसका शोल्डर पैटर्न आप देख सकते हो, फॉल शोल्डर पैटर्न दिया हुआ है जो बहुत स्मार्ट लगता है। आप इसे हील्स के साथ, शूज़ के साथ, बेलीज के साथ पेयर कर सकते हो। एंड ये इतना कैजुअल और सोफेस्टिकेटेड लुक आपको देगा। आप इसके साथ एक अच्छा खासा बैग कैरी कर सकते हो, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, स्लिंग कैरी कर सकते हो। आप इसे अपना कैजुअल वेयर में, आप मॉल जा रहे हो या कंफर्टेबली आपको कहीं पे जाना है, यहाँ पे एयरपोर्ट पे जाना है, मतलब एयरपोर्ट पे वैसे घूमने नहीं जाना, मतलब आप फ्लाइट से कहीं जा रहे हो, लॉन्ग ट्रैवल कर रहे हो गाड़ी से, उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। लॉन्च वेयर के हिसाब से भी ये बेस्ट है, तो मैं इसे हाईली रिकमेंड करूँगी। अंडर 1000 रुपीज़ ही है वो अभी, और उसके जो रेट सेल के दौरान थे वही अभी भी हैं, तो आप अभी परचेस कर सकते हो। तो बात करते हैं मेरे नेक्स्ट प्रोडक्ट की, जो कि है ये अनदर सेट। ये बहुत महंगा था, मैं बहुत टाइम से इस पर अपनी आंखें कड़ाई बैठी थी, बट ये सेल के दौरान सिर्फ 700 रुपये में मिला, मैंने इसे लिया एंड मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इसका फैब्रिक विस्कोस रेयॉन है और जैसे कि ये वाइट है तो हमारे मन में आता है ना ट्रांसी होगा ये वो, तो देखो हल्का फुल्का तो होता ही है, लेकिन इसके नीचे मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि जो भी कोई वाइट फैब्रिक ले रहे हो या फिर कुछ भी लाइट फैब्रिक है, तो आपको सीमलेस पैंटी या ब्रा पहननी चाहिए और उसके नीचे हमेशा न्यूट कलर ही होना चाहिए। एक्चुअली इस वाले जो टॉप में ना, जैसे टॉप आया है ऊपर स्लीवलेस, मतलब स्ट्रैप वाला टॉप है जो कि एडजस्टेबल है स्ट्रैप, एंड नीचे इलास्टिकेटेड दे रखा है बस्ट के जस्ट नीचे टॉप में, एंड नीचे जो बॉटम है उसमें बेल्ट है फैब्रिक की जिसे आप टाई करोगे नोट, और इसके नीचे सिलिकॉन ब्रा चलेगी या फिर बिल्कुल ही स्ट्रैपलेस ब्रा चलेगी नॉर्मली, बट मेरी सिलिकॉन ब्रा मेरा साथ नहीं दे रही थी, बहुत गर्मी है और उसमें ना अपना एक होल्ड होता है, पर जब पसीना आ रहा हो आपको तो वो होल्ड नहीं करता, तो इसलिए मैंने नॉर्मल ब्रा के नीचे पहनी है। एंड ये ड्रॉबैक है वैसे सिलिकॉन ब्रा का, बट ये बहुत अच्छा सेट है। ज़्यादा गर्मी है और उतना ही ज़्यादा सन टैन, इनसे बचने के लिए सनस्क्रीन लगाना ज़रूरी है तो सभी को पता है, लेकिन बेस्ट सनस्क्रीन जो कि आपको ग्लो भी दे और सन प्रोटेक्शन भी दे, तो मैं लेके आई हूँ आपके लिए 5 सनस्क्रीन फ्रॉम मामा अर्थ। पहले मैं बात करती हूँ राइस वाटर ड्यूई सनस्क्रीन की, ये आपको ग्लास स्किन जैसा ग्लो देगा, इवन स्किन टोन, एंड इसमें है राइस वाटर नाइसिनामाइड, इसमें एलोवेरा भी है और SPF 50 एंड PA++++ है, बहुत अच्छा सन प्रोटेक्शन देगा और बिल्कुल भी वाइट कास्ट नहीं है सनस्क्रीन में, बहुत अच्छे से ये बिल्कुल आप देख सकते हो मेरे हैंड पे बिल्कुल मर्ज हो गई है। एंड मामा अर्थ एक इंडियन ब्रांड है, प्लास्टिक पॉजिटिव है और उन्होंने इनिशिएट लिया है कि 2025 तक 1 मिलियन ट्रीज इन प्लांट करने हैं, तो जो भी आप ऑर्डर उनकी वेबसाइट से प्लेस करते हो वो एक ट्री से कनेक्ट कर देते हैं, बहुत अच्छा इनिशिएट है। एंड ये है अल्ट्रा लाइट इंडियन सनस्क्रीन जो कि है बहुत ही लाइट वेट और लॉन्ग लास्टिंग, ये बिल्कुल भी वाइट कास्ट आपको नहीं देगी, ये बहुत अच्छे से आप देख सकते हैं मेरे हैंड पे मर्ज हो गई है, तो ये भी एक बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। एंड ये सारे ही प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे मामा अर्थ की वेबसाइट पे, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, नायका, पर्पल पे भी, एंड मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स आपको ऑफलाइन स्टोर्स पे भी मिल जाएंगे, तो आपके नियर बाय प्रोडक्ट्स मिलते हो ब्यूटी से रिलेटेड तो वहाँ पे भी आपको मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। थर्ड ऑप्शन है आपका ओपटन डिटेन सनस्क्रीन जिसमें है टर्मरिक एंड सैफ्रन जो हेल्प करेगा आपके टैन को रिड्यूस करने में और स्किन को ब्राइट करेगा और बहुत लाइट वेट है और कोई वाइट कास्ट भी नहीं है। फोर्थ इज दिस विटामिन सी डेली ग्रो सनस्क्रीन जो स्किन को ब्राइट करने में हेल्प करेगा, स्किन पे ग्लो लाएगा, SPF 50 एंड PA++++ है। ये सारी सनस्क्रीन आपको काफ़ी अच्छे से सन प्रोटेक्शन देंगी एंड कोई वाइट कास्ट नहीं किसी भी सनस्क्रीन में, ईजिली अब्जॉर्ब हो जाती, कोई भी नॉन स्टिकी नहीं है, बहुत लाइट वेट है। फिफ्थ इज बीटरूट हाइड्राफुल सनस्क्रीन जिसमें है बीटरूट हाइलोरोनिक एसिड एंड एलोवेरा जो कि स्किन को हाइड्रेट रखेगा, ग्लो भी देगा एंड सन से प्रोटेक्ट भी करेगा, इजीली अब्जॉर्ब हो जाएगी ये भी आपकी स्किन पे।
ये सारे फाइव ऑप्शन आपके लिए बेस्ट रहेंगे समर्स में, जो कि आपको सन प्रोटेक्शन भी देंगे एंड आपको अच्छा ग्लो भी देंगे। मैं जो राइस वाटर सनस्क्रीन है, टूई सनस्क्रीन, उसको अपने फेस पे लगा के आपको दिखाऊंगी, बिल्कुल भी वाइट कास्ट नहीं नज़र आएगा और बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगी एंड सन प्रोटेक्शन भी देगी एट द सेम टाइम। आप मेरे कूपन कोड अप्लाई कर सकते हो NEHS2024 flat 20% ऑफ ऑन मामा अर्थ की वेबसाइट पर, एंड ये कूपन कोड इनकी वेबसाइट पर ही अप्लाई हो पाएगा। तो मैं सजेस्ट करूंगी आप इनकी वेबसाइट से ही परचेज करना, और आप देख सकते हो कितने अच्छे से मेरी स्किन पे एब्जॉर्ब हो गई है। प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे मामाअर्थ की वेबसाइट, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, नायका, पर्पल एंड ऑफलाइन स्टोर पे भी। डोंट फॉरगेट टू यूज माय कूपन कोड ऑन देयर वेबसाइट NEHS2024, एंड सभी के लिंक मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की, जो कि है ये अनदर कॉट सेट। इसका जो ब्लेजर स्टाइल दे रखा है ना, मुझे काफ़ी स्मार्ट लगा। आप इसे नियॉन कलर की हील्स के साथ पेयर कर सकते हो, जैसे मॉडल ने की है। मैंने इसको नॉर्मली अपनी ट्रांसपेरेंट हील के साथ पेयर किया है, या फिर आप येलो, पिंक, कोई भी फुटवेयर के साथ पेयर कर सकते हो। इसका जो फैब्रिक दे रखा है उन्होंने, देखा है सिल्क, एंड ये काफ़ी सॉफ्ट फैब्रिक है, कंफर्टेबल है समर के हिसाब से। जैसे कि इस टाइम पे इस जगह जहाँ पे मैं आप शूट कर रही थी उसमें मेरा एसी ख़राब हो गया था, तो उसके अकॉर्डिंग मैं बताऊँ तो जो जो फैब्रिक मुझे अगर उतनी, जैसे पंखे में ही खाली फ़ैन की उसमें अगर चुभ रहा होगा तो मैं आपको क्लियर कर दूँगी, बट ये चुभ नहीं रहा था। लेकिन इसका जो स्टाइल ब्लेजर का दे रखा है ना, बिल्कुल वैसा दे रखा है जैसे कि मैंने ज़ारा में देखे हैं इस तरह के ब्लेजर के स्टाइल, बट उनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, नो डाउट। इसकी लाइट वेट है, अकॉर्डिंग टू समर है, कम्फर्टेबल है, बट इस टाइम इसका प्राइस थोड़ा सा हाई हो गया है। मैंने जब मंगाया था ये अंडर 1000 रुपीज़ था, इस टाइम इसका प्राइस आई थिंक 1700 अराउंड हो गया है। तो आप इसको विशलिस्ट कर सकते हो अभी परचेज करने के लिए। मैं इस पर्टिकुलर कॉर्ड सेट को नहीं बोलूँगी, बट ये अच्छा है, मैं ये बोलूँगी कि आप अपने वार्डरोब में से ऐड कर सकते हो अगर आपको ज़रूरत है और आपके पास कोई ऐसा ओकेजन है, या फिर आप ऐसी जगह जाओगे जहाँ पर आप इसे पहन सको। चीज़ों में वही इन्वेस्ट करो जहाँ आपको लगे कि हाँ ये मैं पहन सकती हूँ आने वाले टाइम में, मेरा ऐसा गैदरिंग है या मेरा ऐसा आना जाना है बाहर। ज़बरदस्ती अपने वार्डरोब में कबाड़ की तरह कपड़े मत भरो, क्योंकि मैंने ये काम पर्सनली किया है एंड आई नो इस चीज़ से ना आपका मन ही हटने लगता है फिर। तो इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगी कि बिल्कुल भंडों की शॉपिंग मत करो, सेंसलेस, आपको हमेशा देख के शॉपिंग करनी चाहिए। तो बात करते हैं मेरे नेक्स्ट कॉर्ड सेट की, जो कि है ये थ्री पीस कॉर्ड सेट। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मुझे उम्मीद नहीं थी। इसका जो नीचे का बॉटम है वाइट, वो भी काफ़ी थोड़ा थिक फैब्रिक का है, बट ऑब्वियसली इसके नीचे आप न्यूड पैंटी पहनोगे, वो भी बेज उसकी ही कलर की होनी चाहिए या फिर न्यूड होनी चाहिए बिल्कुल, एंड सीमलेस होनी चाहिए ऑफकोर्स। और ऊपर का जो टॉप है ना वो स्लीवलेस है, लेकिन वो बस्ट के नीचे से काफ़ी टाइट है, तो वो बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। ऊपर से इन्होंने ब्लेजर स्टाइल दिया है, तो ये थ्री पीस सेट बहुत ज़्यादा सोफेस्टिकेटेड, स्मार्ट लग रहा है। और ये मुझे 1300 अराउंड मिला था ड्यूरिंग सेल, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा इसका क्या रेट है, बट ये काफ़ी प्यारा सेट है। अगर आपको 1300-1400 अराउंड मिल रहा है तो आप ले लो, क्योंकि इससे सस्ता है तो ये नहीं होने वाला, क्योंकि थ्री पीस सेट है। जो नीचे का फैब्रिक है वो पूरा पॉलिएस्टर है, ऊपर का इन्होंने जो दे रखा है वैसे तो पॉलिएस्टर दे रखा है, बट ऊपर का जो कोट वाला स्टाइल है ना, एक तो पतला फैब्रिक है तो बिल्कुल ही सॉफ्ट, सैटिन जितना सॉफ्ट ही है। एंड नीचे के बॉटम में दो पॉकेट भी हैं, एंड आगे आप देख सकते हो बकल पैटर्न दिया हुआ है नीचे ट्राउज़र पे, तो ये काफ़ी स्मार्ट लग रहा है, मैं इसे हाईली रिकमेंड करूँगी, बहुत ज़्यादा अच्छा सेट है वो। तो बात करते हैं मेरे नेक्स्ट प्रोडक्ट की, जो कि है अनदर सेट। ये बहुत स्मार्ट सेट है, अगर आपको थोड़ा बहुत भी बेली, मतलब नीचे स्टमक पे फैट है, ठीक है, लोअर एब्डोमन में या अपर में, तो ये अच्छे से हाइड कर देगा। आप आराम से इसके नीचे अपना टमी टकर पहन सकते हो और इसको आप वेयर कर सकते हो, इतना हाई वेस्ट है। एंड टॉप भी इसका काफ़ी फिटेड है और काफ़ी अच्छा है, फुल स्लीव से आगे का जो कट है वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रिटी दे रखा है टॉप का, ग्रे और ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन में से दिया हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। इस टॉप में एक बात और है, फ्रिल पैटर्न है, और आगे ना जहाँ पे जैसे क्लीवेज जहाँ से शुरू होती है वहाँ पर इसमें एक बटन दिया हुआ है, बट वो लग नहीं रहा था, मतलब वो वर्क नहीं कर रहा था। मुझे लगता है उसे आप दोबारा लगवा सकते हो अगर आपके वाले प्रोडक्ट में भी वही चीज़ हो, पर अगर वो जैसे खुला हुआ है इस टाइम पे, बट ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा। बट अगर आपको कंफर्टेबल रहना है तो आप या तो सिंगल स्टिच करा लेना, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, लेकिन वैसे ओवरऑल ये काफ़ी सही है, बिना उसके भी अच्छी परफेक्ट फिटिंग दे रहा है। फैब्रिक इसका पॉलिएस्टर है, लेकिन ये काफ़ी अच्छा और टिकाऊ कॉट सेट है। तो बात करते हैं मेरे नेक्स्ट कॉट सेट की। इसे देख के आपको लग रहा होगा कि ये तो बिल्कुल वाइट वाले की तरह है जो पहले मैंने एक्सप्लेन किया था, हाँ ये उसी की बहन या भाई है, लेकिन इसका ना फैब्रिक चेंज है। उसका था विस्कोस रेयॉन जो वाइट वाला मैंने आपको दिखाया था, इसका फैब्रिक इन्होंने पॉलिएस्टर दिया हुआ है। वैसे लुकिंग वाइज बिल्कुल सेम है, लेकिन काफ़ी स्टाइलिश है और काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है, जैसे कि टॉप ऊपर से स्ट्रैप वाला दिया हुआ है,
लेकिन जो नीचे का बॉटम है वो काफ़ी हाई वेस्ट है। कॉट सेट का एक प्लस पॉइंट ये होता है कि इनके टॉप को आप किसी और बॉटम के साथ और इनके बॉटम को किसी और अपर टॉप के साथ पेयर कर सकते हो। जैसे कि मैंने अदर हाउस दिखाए हैं जिसमें मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट प्लाजो में दिखाती हूँ, जो आप पूछते हो मैंने कहाँ से लिए, वो मैंने शीन से लिए हैं। ऑब्वियसली उनके लिंक तो नहीं दे सकती, बट इस तरह के जो प्लाजो हैं उनका और उसका मटेरियल बिल्कुल सेम ही है और ये काफ़ी प्यारा मुझे प्लाजो लगा। आप इसको डार्क मजेंटा पिंक और येलो पर्पल किसी भी तरह के साथ पेयर कर सकते हो। काफ़ी कंफर्टेबल है, काफ़ी अच्छा है, बहुत ही वर्सेटाइल तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हो, तो मैं इसे हाईली रिकमेंड करूँगी। काफ़ी प्यारा सेट है, तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग परचेज़ कर लेना, जो भी आपको कलर इसमें समझ आ रहा हो। कलर ऑप्शन इसमें काफ़ी दे रखे हैं। तो बात करते हैं मेरे नेक्स्ट कॉट सेट की, जो कि है बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल। ये स्लीवलेस है एंड अगर आप एक स्मार्ट मॉम हो, आप पेरेंट टीचर मीटिंग अटेंड करते हो और आप इस तरह के मतलब वेयर करते हो जो कपड़े हैं, तो इस तरह के कपड़े आपके लिए काफ़ी अच्छे लगेंगे और काफ़ी स्मार्ट भी लगोगे। और अगर आप वर्किंग हो, आप ऑफिस जाते हो, तो भी आपको बहुत अच्छे से ये मतलब आप कैरी कर सकते हो इसको। आपके पास लैपटॉप बैग है या फिर आपके पास टोट बैग है, आप उसको कैरी कर सकते हो। आप ऑफ कॉलेज जा सकते हो। इस तरीके का मटेरियल है इसका, तो प्योर मतलब कॉटन दिया हुआ है, बहुत कंफर्टेबल मटेरियल है। मतलब मुझे इतना मज़ा आ रहा था ना इसे पहन के, इतना कंफर्टेबल लग रहा था। एंड बिल्कुल ही आप इसके साथ छोटे छोटे से ऑक्सीडाइज जूलरी या बड़ी जिस भी हिसाब से आप इसको, जिस भी ओकेजन के हिसाब से आप इसे कैरी कर रहे हो, आप इसको वेयर कर सकते हो उसके ऊपर। एंड यू आर गुड टू गो। बहुत स्मार्ट है, बहुत अच्छा है। पीछे इसमें डोरी दे रखी है, इसको मैंने टाई किया हुआ है। एंड पेपलम स्टाइल है टॉप का, नीचे से काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा और ये बहुत अच्छा सेट है, तो इसमें ये भी अच्छा पीस है इन्वेस्ट करने के लिए। तो बात करते हैं, मेरा लीस्ट प्रोडक्ट है ये, मतलब लास्ट नहीं है बट लीस्ट है। क्यों? क्योंकि मुझे ये शायद ये लास्ट ही है, मुझे ये पर्सनली काफ़ी अच्छा नहीं लगा क्योंकि इसकी लेस पैटर्न कंफर्टेबल है। इसका कलर देख के मैंने इसे मंगाया था, बट ये थोड़ा सा ब्राइट सा रेड है और बहुत ज़्यादा आई कैचिंग है, तो मुझे इसलिए भी अच्छा नहीं लगा। अपने ऊपर मेरी पर्सनल ओपिनियन है ये। एंड इसका जो टॉप है ना वो नीचे से लूज़ है, बस्ट के नीचे से। अच्छा, मुझे वो तो टॉप समझ में नहीं आते जो बस्ट के नीचे से लूज़ होते हैं, क्योंकि हर टाइम आप इतने कॉन्शियस नहीं रह सकते उन्हें पहनने के बाद, तो मैं इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करती हूँ। तो इसका ना बॉटम बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आई है उसकी, और बॉटम में हाफ थाई तक कपड़ा दिया हुआ है अंदर, तो कुछ दिखेगा नहीं, और नीचे बिल्कुल लेस पैटर्न का बॉटम है। इसलिए इसका टॉप जो है उसकी जैसे फिटिंग कि मुझे अभी अच्छी वीडियो कुछ का खास एंड आ नहीं गया है, तो लगी। बेल आइकन प्रेस कर लेना अगर वीडियो अच्छी लगी हो। फॉर ऑल नोटिफिकेशन मैंने काफ़ी हॉल वीडियो पहले भी डाली है, वो चेकआउट कर लेना। मैं काफ़ी हॉल वीडियो लाने वाली हूँ, शॉर्ट वीडियो मैं रोज़ अपलोड करती हूँ। प्लीज़ इसे लाइक छोड़ दिया करो, एक लाइक हर कोई कर दिया करो। मिलती मेरी नेक्स्ट वीडियो पर बहुत जल्दी, तब तक के लिए बाय।